नमस्कार, मैं फिरोज हाशमी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नए नए हथकंडा, रोज रोज नई नई कहानी। जिन दरिंदों ने निर्भय की जिंदगी को पल भर में नर्क बना दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया, वो दरिंदे फांसी से बचने के लिए रोज रोज तिकड़म का जाल बिछा रहे हैं। कानून के दांव पेच फांसी से बचने के लिए पैतरे आजमाए जा रहे हैं। फांसी से बचने के लिए क्या क्या जाल बिछाया, पहले दस्तावेजों में उलझाया, उसके बाद डायरी वाली मोशनल चाल चली, लेकिन दरिंदों की अब तक हर चाल नामुमकिन, नाकाम हुई। फांसी को टालने के लिए चारों दोषी हर मुमकिन कोशिश की, चाहे वो दीवार में सर मारने को लेकर हो, मुंह से खून आने की बात हो, लेकिन चारों दरिंदों ने काफ़ी कोशिश की ताकि 3 मार्च की तारीख टाला जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय नज़दीक आ रही है, निर्भया के दोषियों की उम्मीद टूटती जा रही है। तिहाड़ जेल में निर्भया के दरिंदे बंद हैं। हर गुजरता पल उन्हें सदमा दे रहा है, उन्हें डरा रहा है। पल पल की करीब आते ही दरिंदों की मौत की उन्हें आहट से दरिंदों का दम घुट रहा है। मौत का डर इतना खौफनाक है कि जेल की दीवारों पर सर पटकना उन्हें आसान लग रहा है। निर्भया गैंग रेप और हत्या के मामले में 4 दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 3 बार डेट वारंट जारी हुआ था, लेकिन अब ऐसा मानना है कि 3 मार्च को चारों दोषियों को फांसी होगी, जिसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने मेरठ जेल के अधिकारियों को चिट्ठी लिखी थी। पवन जल्लाद अब तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। आपको बता दें, पवन के बाद अक्षय ठाकुर ने दोबारा दया याचिका दाखिल किया है। नए दया याचिका अक्षय ने लिखा है, जो पहले अर्जी दी थी उसमें पूरे तथ्य नहीं थे, और जिस वक्त अर्जी राष्ट्रपति को दी थी तब उसके पास सभी दस्तावेज नहीं थे, और 2 मार्च की सुबह में 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट अपनी चेंबर में विचार करेगी। और 3 दोषियों अक्षर, विनय, मुकेश की सिक्योरिटी और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिका पहले ही खारिज कर चुकी है। अब दरिंदों को बौखलाहट पल पल हो रही है, क्योंकि हालात बता रही है उनकी मौत का डर उनके दिलो दिमाग में बैठा हुआ है। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है 3 तारीख को निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ना लगभग तय है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।